लिथियम बैटरी इंडस्ट्री का साइज इंडिया में हर साल 4 से 5 गुना तेजी से बढ़ रहा है। ये साइज 30.860.6 मिलियन डॉलर का होने वाला है। डोमेस्टिक और ईवी मार्केट में लिथियम बैटरी की डिमांड हर रोज बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग अपने घरों में, अपनी कार में, अपने स्कूटर में लिथियम बैटरी लगवाना चाहते हैं, पर इंडिया में लिथियम बैटरी इंडस्ट्री एक झूठ की इंडस्ट्री बनती जा रही है। जो भी लोग लिथियम बैटरी लेना चाहते हैं वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं कि कोई बोला है कि लिथियम बैटरी में आग लग जाती है, लिथियम बैटरी फट जाती है, लिथियम बैटरी की प्राइस बहुत ज़्यादा है, लिथियम बैटरी की स्क्रैप वैल्यू नहीं है, लिथियम बैटरी को नहीं लेना चाहिए, और ट्रेडिशनल जो लेड एसिड बैटरी हम लोग यूज कर रहे हैं वो बैटरी एक बेस्ट ऑप्शन हम लोगों के लिए है, तो लिथियम बैटरी पर स्विच नहीं करना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे लोग लिथियम बैटरी के फेवर में बात कर रहे हैं कि लिथियम बैटरी के ये एडवांटेज हैं, तो एक बायर कंप्लीटली कंफ्यूज है कि आखिर करे तो क्या करे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में लिथियम बैटरी की 5 ऐसी आंख खोल सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं कि यकीनन आज तक आपने लिथियम बैटरी को लेके दिमाग में जो भी पिक्चर बनाई होगी वो पिक्चर डेफिनेटली आज धुल जाने वाली है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे भ्रम आज टूटने वाले हैं, और मेरा दावा है कि अगर ये वीडियो आपने पूरा लास्ट तक देखा, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की या गूगल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कि ये बहुत मीनिंगफुल वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप उन लोगों तक शेयर करें जो लोग भी लेड एसिड या लिथियम बैटरी लेने में इंटरेस्टेड हैं, ताकि एक सही जानकारी उन लोगों को मिल पाए, और अगर आप एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी उन तक पहुँचाते हैं तो डेफिनेटली वो लोग आपको अप्रिशिएट ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहला ही इंडस्ट्री के अंदर एक ये सवाल बहुत सारे लोगों ने उठाया है, आप लोगों के जहन में भी सवाल आता होगा कि लिथियम बैटरी को कुछ सेलेक्टेड ही कंपनियां बनाती हैं, इंडिया की जो टॉप मोस्ट कंपनी है वो लिथियम बैटरी नहीं बनाती हैं। इस तरह बोल के लोगों को पूरी तरीके से गुमराह किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी है तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो क्यों नहीं बनाती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कंपनियां ही लिथियम बैटरी को क्यों बना रही हैं। तो फ्रेंड्स, दो तरह की इंडस्ट्री इंडिया में है लिथियम बैटरी को लेकर, एक है ईवी इंडस्ट्री और दूसरा है डोमेस्टिक और कमर्शियल इंडस्ट्री। तो पहले बात करते हैं ईवी इंडस्ट्री की। जो कंपनियां इलेक्ट्रिक कार बना रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक बना रही हैं, स्कूटर बना रही हैं, उन लोगों को लिथियम बैटरी की जो पड़ रही है। और दूसरे सेगमेंट में हम लोग बात करें तो जो डोमेस्टिक में इन्वर्टर की कंपनियां हैं, सोलर कंपनियां हैं, टेलीकॉम की कंपनियां हैं, इन लोगों को बैटरी की हाई इनके यहाँ पे डिमांड है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं, जैसे ओकाया की बात कर लें, HBL, टाटा केमिकल्स, LG, कोसलाइट, हीरो, मारुति सुजुकी, सैमसंग, SDI, BYD, नेक्सस सोलर, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज, ओला इलेक्ट्रिक, ये इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनियां हैं, और ये सारी कंपनियां लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपनी बैटरियों को इस्तेमाल कर रही हैं, और बहुत सारी कंपनीज के लिए OEM भी कर रही हैं। अगर बात करें डोमेस्टिक इंडस्ट्री की, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में अगर टॉप नेम की बात करें बैटरी इंडस्ट्री में, एक्साइड का नाम सबसे पहले आता है। तो एक्साइड का इंट्रा 700 मॉडल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्साइड एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लिथियम बैटरी के साथ में बना रहे हैं। दूसरी बड़ी कंपनी की हम लोग बात करें तो ल्यूमिनस अपना 1250 मॉडल इनबिल्ट लिथियम बैटरी के साथ में बना रही है, और इसकी कंप्लीट सीरीज भी ल्यूमिनस बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च कर रही है। स्वास्तिका एक वेल नोन इंडिया में कंपनी है, ये कंपनी भी लिथियम बैटरी की एक पूरी सीरीज बना रही है। वारी कंपनी कोई नया नाम नहीं है इंडिया में, एक बिगेस्ट कंपनी है। वारी कंपनी पिछले 4 सालों से लिथियम बैटरी को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है, और डिफरेंट एप्लीकेशन में वारी की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता रहा है। माइक्रोटेक की बात करें, UTL की बात करें, जीनस की बात करें, और नेक्सस सोलर की बात करें, और बहुत सारी इंडिया की ब्रांडेड कंपनियां हैं जो लिथियम की बैटरी बना रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा झूठ
इस इंडस्ट्री में ये बोला जा रहा है कि हमने टीवी में देखा है, न्यूज में पढ़ा है कि लिथियम बैटरी फट जाती है, लिथियम बैटरी आग लग जाती है, तो जो लोग भी लिथियम बैटरी को अपने घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आखिर ऐसी बैटरी को अपने घर में कैसे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जिस बैटरी में फट जाती हो, जिस बैटरी में आग लग जाती हो। बात बिल्कुल सही है, ऐसी बैटरी को इस्तेमाल करने का कहीं कोई सेंस नहीं है। यूं तो कई सारी तरह की लिथियम बैटरी मार्केट में आती है, पर मोस्ट कॉमनली जो इंडिया में लिथियम बैटरी यूज की जाती है उसके दो टाइप हैं, एक है NMC, दूसरा है LFP। तो ये जो NMC बैटरी है ये है लिथियम निकिल कोबाल्ट ऑक्साइड बैटरी। और अगर आप एक ऐसी बैटरी लेने का प्लान कर रहे हैं जो बैटरी लाइट वेटेड हो, हाई एनर्जी डेंसिटी उसकी हो, मतलब कम जगह में ज्यादा एनर्जी आ सके, और अगर आपके पास में अपनी इलेक्ट्रिक कार है या इलेक्ट्रिक स्कूटर है और आप ये चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का जो पिकअप है वो मैक्सिमम रहे, तो आपको ये बैटरी आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अगर इस बैटरी के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 33% निकिल, 33% मैग्नीज एंड 33% कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और इससे बने हुए सेल की जो वोल्टेज होता है वो होता है 3.7 वोल्ट। अगर मैं दुनिया की बात करूं कि दुनिया में सबसे बड़ी कार कंपनी कौन है, तो डेफिनेटली टेस्ला का नाम आता है, और आप लोग जानते हैं कि टेस्ला के अंदर भी NMC सेल से बनी हुई बैटरी का ही इस्तेमाल किया जाता है, और इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक में फास्ट पिकअप वाली कार है उनमें सब में NMC बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इस बैटरी का ड्रॉबैक ये है कि इस बैटरी में थर्मल रन अवे एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अक्सर आपने जो देखा है कि बैटरी में आग लग गई, बैटरी फट गई, इसका रीजन ही ये थर्मल रन अवे है। ये इसलिए होता है कि चूंकि ये जो बैटरी है हाई पावर आउटपुट आपको दे सकती है, तो एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन में अगर ये बैटरी ओवरलोड हो जाती है तो उस कंडीशन में इस बैटरी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस टेम्परेचर की वजह से ये बैटरी फट जाती है। तो ये NMC बैटरी का ड्रॉबैक है, जिसको आप लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल करते हैं अपने घरों पे, और आप अगर ये मानते हैं कि लेड एसिड बैटरी आपकी नहीं फटती है, तो रुको, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये कई सारी न्यूज क्लिप्स आप देख रहे हैं जिसमें कई जगह जन माल की भी हानि हुई है और कई जगह जो फाइनेंशियल लॉस है वो लेड एसिड बैटरी के फटने से बहुत ज्यादा हुए हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि लेड एसिड बैटरी नहीं फटती है, तो वो लोग इस न्यूज को देख सकते हैं। लेड एसिड बैटरी में भी फटने की दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन ये है कि जो उसके वेंट होते हैं, जो लेड एसिड बैटरी के ऊपर आप वेंट देखते हो जिसमें से बैटरी के चार्ज होते वक्त गैस रिलीज होती है, तो अगर वो वेंट ब्लॉक हो जाए तो बैटरी के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि बैटरी फट जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि बैटरी के चार्जिंग के टाइम पे अगर वहाँ पे कोई स्पार्क हो जाता है, तो स्पार्क होने से भी जो लेड एसिड बैटरी है वो एक बम की तरह फट जाती है, जान माल का नुकसान कर सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बैटरी फट जाती हैं। एक तीसरी बैटरी भी मार्केट में आपको देखने को मिलती है, जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर बैटरी है। इस बैटरी को बोलते हैं लिथियम फॉस्फेट बैटरी या फिर LFP बैटरी। टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, इन्वर्टर बैटरी के सेक्टर की बात करें, सोलर सेक्टर की बात करें, कार सेक्टर की बात करें, या फिर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर जो ई रिक्शा हैं उनकी बात करें, उन सब में ये बैटरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये बैटरी लिथियम कार्बोनेट, फॉस्फोरिक एसिड एंड आयरन के कंपोजिशन से मिलके बनाई जाती है, और अगर इस बैटरी की मैं सेफ्टी की बात करूं तो इंडिया की सबसे सेफेस्ट बैटरी इसको कहा जाता है। इस बैटरी के अंदर जो केमिकल और मैकेनिकल इसका स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सुपीरियर क्लास का होता है, जिसकी वजह से ये बैटरी ओवरहीट नहीं होती है किसी भी अनसेफ लेवल तक पहुंचने तक। तो इस बैटरी में फटने की या आग लगने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। किसी पंचर की कंडीशन में अगर बैटरी में कोई चीज़ आर पार हो जाती है, मतलब पंचर हो जाता है सेल के अंदर, तो उस कंडीशन में भी इस बैटरी में मोस्टली ये संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूम्स निकलेंगी, और फ्यूम्स निकलने के बाद में जो बैटरी के फटने की चांसेस हैं वो ना के बराबर ही
होते हैं। तो इसलिए यह बैटरी मार्केट में बहुत पॉपुलर हो रही है और आजकल ज्यादातर कंपनियां LFP बैटरी का ही अपने जो डोमेस्टिक सेगमेंट है उसमें कर रही हैं। अब अगर हम लोग बात करें तीसरे सबसे बड़े झूठ की, तो तीसरे अब यहां पर सबसे बड़े झूठ की बात करें, अफवाह की बात करें, या फिर सच्चाई भी आप इसको कह सकते हैं कि लिथियम बैटरी की जो प्राइस है वो प्राइस बहुत बहुत ज्यादा है। एक आम आदमी लिथियम बैटरी को अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर लाइफ की बात करें तो लेड एसिड बैटरी में भी आप लोगों को 3 से 5 साल की वारंटी मिल जाती है, लिथियम फॉस्फेट बैटरी पे भी 3 से 5 साल की वारंटी मिलती है और प्राइस में 2 गुने से ज्यादा का अंतर है। तो फिर लिथियम बैटरी पे आखिर हम लोगों को क्यों जाना चाहिए? बात बिल्कुल आपकी सही है। तो एक एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाऊं कि सपोज कीजिए आप एक बाइक लेना चाहते हैं और एक बाइक आपने परचेज की, 50,000 रुपए की एक आपने बाइक खरीदी जिसका माइलेज वो 10 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। अब ये जो बाइक है ये नॉर्मली 10 साल और 15 साल की इसकी एक्सपायरी होती है, तो 10-15 साल आप इस बाइक को चलाएंगे और आपको हर रोज 50 से 100 किलोमीटर का सफर तय करना है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपने 1,00,000 रुपए की एक बाइक खरीदी, 1,00,000 रुपए की बाइक में आपको फीचर ज्यादा मिले 50,000 रुपए से, पर उसका जो फीचर से ज्यादा भी जो एडवांटेज आपको मिला वो ये कि उस बाइक का जो माइलेज है वो है 20 किलोमीटर पर लीटर का। अब 10 साल बाद में जब आपकी बाइक स्क्रैप होती है दोनों ही कंडीशन में, तो आप पाएंगे कि जो 50,000 रुपए वाली बाइक थी उसने आपका हर रोज इतना ज्यादा नुकसान किया कि आप 1 साल के नुकसान में एक एक्स्ट्रा बाइक खरीद सकते थे। आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सेम चीज इस बैटरी के अंदर है। बैटरी में एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो होता है इसके डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज और लाइफ स्पैन का। तो दोनों ही चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्लियर कर देता हूं। तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है कि एक बैटरी माना 12 वोल्ट की आपकी बैटरी 100 Ah की बैटरी है, तो अगर वाट को आप कैलकुलेट करेंगे तो वाट होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। तो 12 वोल्ट की बैटरी 100 Ah की हो जाती है तो 1200 वाट की बैटरी हो जाती है। अब 1200 वाट की बैटरी जब चार्ज होगी तो उसको 1200 वाट चाहिए तभी वो बैटरी फुली चार्ज होगी, पर जब आप उस बैटरी से वापस बैकअप लेते हैं तो वापस बैकअप लेने में जब आप लेड एसिड बैटरी को देखेंगे तो वहां पे आपको एक चीज मिलेगी कि लेड एसिड बैटरी में या तो आपको C10 रेटिंग मिलेगी एट द रेट ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, या तो फिर आपको C20 रेटिंग मिलेगी एट द रेट ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इस C का जो मतलब है वो ये है, अगर C10 आपने लगाया हुआ है तो ये बैटरी 10 घंटे में आप चार्ज और डिस्चार्ज कर रहे हैं तो मोर देन 50% से ज्यादा बैकअप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये कि 1200 वाट की अगर आपकी बैटरी है और अगर आप 10 घंटे में उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो 120 वाट अगर आप पर घंटे के हिसाब से उस बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे तो मिनिमम लॉसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पर जो हमारी डोमेस्टिक कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि बैटरी बैकअप अक्सर लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब लाइट चली जाए तो वो अपने घर का लोड उस पर चला ले, तो बामुश्किल लाइट जाती है 2 घंटे 4 घंटे के लिए। कहीं बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जहां पे लाइट 10-12 घंटे के लिए चली जाए, तो उन कंडीशन को छोड़ दें तो 80% लोग अपने घर पे इन्वर्टर बैटरी सिर्फ इसलिए लगवाते हैं कि जब लाइट चली जाए तो उस बैकअप से अपने घर का लोड चला लें। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको बैकअप रिक्वायर्ड होता है, मोस्टली बैकअप रिक्वायर्ड होता है वो 2 से 3 या 4 घंटे अधिकतम होता है। तो जिसका मतलब जो सी रेटिंग, जो C10 का जो वहाँ पे बैटरी का स्टैंडर्ड है, उसका कोई मतलब आपकी बैटरी में नहीं रह जाता है क्योंकि आप उस बैटरी को 10 घंटे में डिस्चार्ज कर ही नहीं रहे हैं। तो अब अगर आपने 10 घंटे में बैटरी डिस्चार्ज नहीं की तो यहाँ पे उस बैटरी का DOD डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो 50% और 60% में भी आपको बता रहा हूँ वो आपका 30 से 40% ही रह जाता है। माना कि यही 100 Ah की मैं बात करूँ बैटरी की, तो अगर इस बैटरी को आपने 400 वाट से आपने डिस्चार्ज कर लिया तो ये बैटरी बामुश्किल आपको 200 या 250 वाट का बैकअप देगी, जबकि चार्जिंग होते वक्त इस बैटरी में आपने जो एनर्जी डाली थी, जो आपकी बिजली खर्च हुई, वो आपकी बिजली खर्च हुई थी यहाँ पे 1.2 यूनिट। हर रोज हर डिस्चार्ज में आपको यहाँ पे ये जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है इसको आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हर चार्ज और डिस्चार्ज में आपकी बैटरी यहाँ पे लॉसेस कर रही है जो लेड एसिड बैटरी है। पर अगर आप लिथियम आयन बैटरी के साथ में जाते हैं तो वहां पे आपको 80% का वहां पे डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मिल जाता है, और अगर आप लिथियम फॉस्फेट के साथ में जा रहे हैं तो वहां पे आपको अप टू 95% से लेके 98% तक का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मिल जाता है। मतलब जितना आपने डाला ऑलमोस्ट उतना ही आपने वापस ले लिया। और यहाँ पे इस बैटरी की जो रेटिंग होती है, जो स्टैंडर्ड यहाँ पर रेटिंग होती है, जब आप लिथियम फॉस्फेट की बैटरी को खरीदेंगे तो 2 तरह की बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। एक बैटरी में होगा कि बैटरी कैपेसिटी एट द रेट ऑफ 0.5C, या फिर होगा बैटरी कैपेसिटी एट द रेट ऑफ 1C। तो 1C का मतलब यह है कि 1 घंटे के अंदर अगर आप उस बैटरी को पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर रहे हैं तो 100% आपको यहां पर बैकअप मिल जाएगा।
और अगर आपने नॉर्मल जो आपकी लेड एसिड बैटरी है उसको एक घंटे में डिस्चार्ज किया तो वो बैटरी मैक्सिमम आपको 10% बैकअप दे पाएगी, 90% का लॉस आपको लेड एसिड बैटरी कर देगी। तो आप समझिए कि बैटरी कौन सी महंगी पड़ती है। अब दूसरे यहीं पे लाइफ की बात कर लेते हैं। अब लाइफ की बात यह है कि जो मोस्टली लेड एसिड बैटरी की कंपनियां होती हैं वो 3 से 5 साल की वारंटी ऑफर करती हैं। लिथियम बैटरी पे भी आपको 3 से 5 साल की वारंटी मिल जाएगी। अब दोनों की वारंटी सेम होने का रीजन आप समझिए, दोनों की वारंटी सेम होने का रीजन यह है कि इंडिया के अंदर जो लेड एसिड बैटरी का रिसाइकलिंग प्लांट है वो भर भर के हैं, हर जगह आपको मिल जाते हैं, तो लेड एसिड बैटरी आसानी से रिसाइकल हो जाती है। पर लिथियम बैटरी के अभी तक इंडिया में सिलेक्टेड ही प्लांट्स हैं, तो वहां पे बैटरी को रिसाइकलिंग करना एक चैलेंजिंग काम है। जो लेड एसिड बैटरी की जो मैक्सिमम आप लाइफ देखें वहां पे आप देखेंगे 450 से 550 बार आप 100% बैकअप पे आप अपनी बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं 100% बैकअप पे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि साहब मेरे यहाँ तो 8 साल से बैटरी चल रही है, मेरे यहाँ तो 9 साल से चल रही है, तो उसका मतलब यह है कि अब वो बैटरी 100% बैकअप पे नहीं चल रही है, वो बैटरी अभी 70% बैकअप रह गया है उसका या 60% रह गया है। अगर इसी तरह आप लिथियम बैटरी को कंपेयर करें, जैसे लेड एसिड बैटरी को 5 से 7 साल आप कंपेयर कर लेते हैं, तो एक नॉर्मल 3000 लाइफ साइकिल की बैटरी अगर 50% तक के बैकअप पे आप उसको ये मानते हैं कि मेरी बैटरी सही है, तो बैटरी कम से कम 25 से 30 साल आपकी चल जाएगी। अभी जो वारंटी आपको 3 साल या 5 साल मिल रही है वो आपको 1C कंडीशन में मिल रही है, उसके बाद में 0.5C आएगी, फिर 0.25C आएगी, तब जाके C10 आएगी। जो आपकी लेड एसिड बैटरी है वो C10 है। लिथियम बैटरी की C10 बनने में कम से कम 20 से 30 साल का सफर होना है, बैटरी को तय करना है, इसलिए लिथियम फॉस्फेट की बैटरी की लाइफ लंबी होती है। अब आपका दूसरा सवाल कि अगर आपको अपनी बैटरी पे इतना ही भरोसा है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मुझे भी कि साहब आप नेक्सस की बैटरी बनाते हैं तो अगर आपको इतना ही भरोसा है तो आप हमें 15 साल तक स्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी रिप्लेसमेंट क्यों नहीं देते हैं। तो फ्रेंड उसके पीछे बात यह है कि जो वारंटी देना और बैटरी की लाइफ दोनों चीज़ों में अंतर होता है। आप जिस फोन पे या जिस लैपटॉप पे मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको 1 साल 2 साल की वारंटी मिली होगी। वारंटी का मतलब यह है कि अगर आपको 10 साल की वारंटी दी तो 10 साल सर्विस देनी पड़ेगी कंपनी को। कंपनी के प्रॉफिट और मार्जिन है माना 2000 एक बैटरी पे, या 5000 आप मान लीजिए 5000 है और 10 साल उसमें सर्विस देनी है। अब जनरली होता क्या है कि माना इन्वर्टर और बैटरी खराब है, आपने इन्वर्टर बैटरी लगाया हुआ है, इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है, इन्वर्टर खराब हो गया, पर अगर बैटरी की वारंटी बाकी है तो कई बार ये होता है जो भी चीज की वारंटी होती है उस कंपनी को कॉल किया जाता है कि साहब हमारी तो बैटरी बैकअप नहीं दे रही है, खराब इन्वर्टर है पर बैटरी बैकअप नहीं दे रही है। कई सारे लोगों की इस तरह की टेंडेंसी होती है, कंपनियां उस सर्विस से बचती है, वरना ये बैटरी 15 साल छोड़िए कंपनी इसकी 20 साल भी वारंटी कर सकती है, पर प्रॉब्लम यह है कि 20 साल तक सर्विस, इतना लंबा टाइम सर्विस देना किसी भी कंपनी के लिए वो बहुत बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, इसलिए कंपनियां लिथियम फॉस्फेट की बैटरी पे लंबी वारंटी ऑफर नहीं करती। अब जो अगला मिथ है कि मैं लेड एसिड बैटरी ले रहा हूं और लेड एसिड बैटरी की जो मेरी स्क्रैप वैल्यू है वो 50% मेरे को या 30-40% मेरे को मिल जाएगी, 8-10 हजार रुपए फिर से डालूंगा और फिर मैं अपने घर पे नई बैटरी ले आऊंगा। पर अगर लिथियम फॉस्फेट की बात करें तो कॉस्ट यहाँ पे जस्ट डबल है और उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू है नहीं। माना वारंटी 5 साल की आपने दी और 5 साल में मेरी बैटरी खराब हो गई तो उसकी तो कोई स्क्रैप वैल्यू ही नहीं रही। यहाँ पे बहुत सारे लोग सही हैं और यहाँ पे एक बड़ा गेम इंडिया में खेला जाता है। अब वो बड़ा गेम क्या है, इंडिया एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, यहाँ पे लोग चीजें अच्छी लेना चाहते हैं पर कम कीमत में लेना चाहते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो लिथियम का सेल है वो इंडिया में नहीं बनता है तो ये सेल इंपोर्ट किया जाता है। आप चाइना से इंपोर्ट करें, आप ताइवान से करें, आप जर्मनी से करें, जहां से भी जिस कंपनी का अपना हिसाब किताब होता है वहां से उस सेल को इंपोर्ट करती है। और बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है चाइना ये है वो है, तो आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो इस सीरीज में मैं एक नेक्स्ट अपना वीडियो भी बनाऊंगा उसमें कि चाइनीज इन्वर्टर क्या है उनकी भी आपको मैं एक सच्चाई बताऊंगा कि चाइनीज इन्वर्टर क्या है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और अगर काफ़ी लोगों ने ये चाहा कि मैं चाइनीज इन्वर्टर की बात आप लोगों को बताऊं उसकी भी सच्चाई बताऊं तो नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड रहेगा। तो ये टेक्नोलॉजी चाइना में और कई डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत पहले आ गई थी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल आज से इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू भी नहीं हुए हैं ढंग से, वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल 10-10, 15-15 साल से है। तो चूंकि इंडिया में डिमांड आई लिथियम बैटरी की और लिथियम की जो सेल है उसकी प्राइस है हाई, तो लोगों ने सॉल्यूशन मांगा कि भाई ऐसा सॉल्यूशन दीजिए कि जो यहाँ पे कम से कम कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो वो सॉल्यूशन क्या है कि माना चाइना की बात कर लेते हैं कि चाइना में किसी बस में एक बैटरी लगी थी और वो 1C रेटिंग पे वो 3000 लाइफ साइकिल उस बैटरी की थी, तो 3000 लाइफ साइकिल में उसकी 3000 लाइफ साइकिल पूरी हो गई तो कंपनी ने वहां पे उस बैटरी को वापस ले लिया, बाई बैक कर लिया। अब माना वो बैटरी की कैपेसिटी थी 48 वोल्ट 100 AH,
तो मतलब एक घंटे में 5000 वॉट डिलीवर कर सकती थी। अब वो बैटरी 1C नहीं रह गई है, अब वो बैटरी रह जाती है 0.5C, मतलब कि 2 घंटे में अभी भी वो 5000 वॉट का बैकअप डिलीवर आपको कर सकती है। उन सेलों को रिफर्बिश्ड किया गया और इंडिया में लाके बेच दिया गया। इंडिया में उस सेल को सोलर सेल के नाम से या फिर रिफर्बिश्ड सेल के नाम से उसको इंडिया में आ गया वो, और उस सेल की चूंकि कीमत आधी हो गई तो आधी कीमत में इंडिया में लाके बेचा गया। अब वो सेल की कंडीशन ये नहीं है कि वो नहीं चलेगा, अभी 0.5C पे चलेगा, अभी फिर वो 0.25C पे भी चलेगा सेल। तो इसलिए इंडिया में जो रिफर्बिश्ड सेल का मार्केट है वो बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारी कंपनियां रिफर्बिश्ड सेल से काम करती हैं। अब जो जिन लोगों को शॉर्ट टर्म बिजनेस करना है तो वो तो अपना यही काम करती हैं कि रिफर्बिश्ड सेल को उन्होंने लगा लिया, पर जो जेन्युइन कंपनी है जैसे नेक्सस सोलर की हम लोग बात करें तो नेक्सस सोलर अपनी बैटरी पे इसीलिए 15 साल की वारंटी 50% दे रही है, 50% पे इसीलिए वापस ले लेती है क्योंकि उसको पता है कि भाई मैंने 1C का सेल यूज किया है, मेरा सेल नहीं खराब होना है 10-15 साल, 15 साल में आप वापस भी दे देंगे तो भी कंपनी लॉस में नहीं है। 15 साल के अंदर लिथियम बैटरी ने आपकी जितनी बिजली बचाती, अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि लिथियम बैटरी कम से कम आपको 6 से 7 गुनी सस्ती पड़ती है लेड एसिड बैटरी से, अगर आप पूरे बिल की बात करें तो। जो लोग भी ऐसा मानते हैं कि लिथियम की स्क्रैप वैल्यू नहीं है, उस सेल जो रिफर्बिश्ड सेल है उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। बाकी आज की डेट में अगर आप किसी अच्छी कंपनी का आप लिथियम बैटरी फॉस्फेट बैटरी खरीदते हैं और अगर उसने ए ग्रेड का सेल लिया हुआ है तो डेफिनेटली आपको 25 से 35% तक की स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी। 35% ही मैक्सिमम लेड एसिड की मिलती है और 35% ही यहाँ पे आपको मिल जाती है लिथियम फॉस्फेट बैटरी की वैल्यू, तो कहीं कोई अंतर नहीं है। और हो सकता है जिस टाइम पे आप लिथियम फॉस्फेट की बैटरी की स्क्रैप करना चाहें उस टाइम पे इंडिया में और ज्यादा भी प्लांट लग जाएं लिथियम रिसाइकलिंग के, तो संभव है कि 50 से 60% पे भी आपकी लिथियम फॉस्फेट की बैटरी की स्क्रैप वैल्यू रह सकती है। अब फ्रेंड्स बात आ जाती है इस वीडियो के कंक्लूजन की, बैटरी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको किस बैटरी पे जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हर टेक्नोलॉजी के अपने एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेज होते हैं। मेरा तो मानना यह है कि अगर आप कोई भी बैटरी लेते हैं तो आप बैटरी जो भी कंपनी वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है कि कौन कंपनी है, मैटर ये करता है कि आप टेक्नोलॉजी क्या ले रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने वीडियोज देखे, ठीक है कोई बात नहीं, वीडियो में जिसने जिसको जितना ज्ञान है उतना ज्ञान उसने दिया। और जो भी आप टेक्नोलॉजी बाय करना चाहते हैं कम से कम उस टेक्नोलॉजी को आप गूगल जरूर कर लें, कुछ रिसर्च आप उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जरूर कर लें। आजकल तो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप चैट जीपीटी पे आप किसी भी बैटरी की टेक्नोलॉजी लिखेंगे, एडवांटेज लिखेंगे, डिसएडवांटेज लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बैटरी की एक्चुअल एडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज ये है, डीओडी ये है, लाइफ साइकिल ये है, तो कहां किस बैटरी पे आपको जाना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो किसी काम का लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।